सुखिया बेटा, खुदा न जाने वो कौन सा दिन दिखाएगा जब राजा के जुल्मों से ये गांव आजाद होगा। अरे जुम्मन चाचा, हमने तो अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। बस दुख तो सिर्फ इसी बात का है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी गुलामी में जन्म लेंगी। काम धाम ठीक ठाक कर रहे हो या खाली नमक हरामी चल रही है? साले कमीने, हरामी कहीं के। ऐसे क्या गुरु का देख रहा भाई? साले भून के रख दूंगा, कारतूस नाम है मेरा, कारतूस। सरकार, इसके छोटे छोटे बच्चे हमारे, वो अनाथ हो जाएंगे सरकार, इसे माफ कर दीजिए सरकार। ये आगे से ऐसा नहीं करते सरकार, ये आगे से ऐसा नहीं करेगा, ये आगे से ऐसा नहीं। समझा लेना इस हरामी को, अगर दोबारा हमसे उलझा तो चीटी की तरह मसल देंगे, समझे हराम खोर। लक्की, मनसुख, धर्मा, सत्या और कलसी के अलावा वो सभी लोग सुन लो जिनके भी अपने खेत हैं। राजा साहब का कहना है पिछले साल से 3 गुना लगान अधिक देना होगा। 3 गुना लगान? सरकार आपके तुम सूखे ने मार दिए, इतना लगान कहाँ से भरेंगे? सरकार, तेरी राजा साहब को समझाओ ना, ये सब बेचारे लगान कहाँ से देंगे? राजा साहब का साफ साफ कहना है या तो 3 गुना लगान भरो और जो लोग लगान नहीं भर सकते वो अपनी जमीन राजा के नाम करो, समझी बुढ़िया? कान खोल कर सुन लो, राजा साहब को 3 गुना लगान देना पड़ेगा या फिर अपनी जमीन राजा साहब के नाम लिखानी पड़ेगी, समझे? चलो अब्दुल बेटा। आपा अब काम ही करता रहेगा, चल आ रहा। नमाज का वक्त हो गया, आ जा बेटा। मौसम Thank you.
पता नहीं राजा साहब का आज किस पे कहर टूटेगा। अरे मनसुख, राजा साहब के लिए तो हर खेल मौत का तांडव होता है। सुखिया, राजा खेल नहीं खिलाता, उसे तो बहाना चाहिए लोगों को मारने का। अरे वो राजा नहीं, वो तो हैवान है हैवान। चुप रहो, राजा साहब आ रहे हैं। मुकाबला शुरू किया जाए। राजा साहब, मेरी बहन को माफ कीजिए, इससे गलती होगी। हमारे दरबार में गलतियों को माफी नहीं बल्कि सजाए मौत मिलती है। अरे गई दुनिया से, जैसे को कहता तो मोराल कैसा। मगर सरकार, मैंने तो कुश्ती जीती है। कारतूस, कुंदन, विक्रम, इसको इसका इनाम दे दिया जाए। हजूर, आपने इस ससुरों को कैसे छोड़ दिया? बाजी पूरे 2.25 घंटे में कुश्ती जीता है। अगर कल को कोई दुश्मन आपकी हवेली में आ धमका ना, तो ये तो कुश्ती लड़ता ही रह जाएगा और वहां दुश्मन आपका गुस्ताखी माफ हो हजूर, जैसे को तैसा तो मलाल कैसा। मैं बाप, मैं बाप, मैं आपका मुनीम लेके कर रहे। मैं बाप, तेरा दिमाग वास्तव में ही बड़े कमाल का है मुनीम। इसको निकाल कर अपने शोकेश में रखूंगा।
माई बाप, हजूर सरकार, शोकेस में रखे होंगे तो मेरा दिमाग सड़ जाएगा मालिक। लेकिन मालिक आपके लिए काम तो ये इसी खोपड़ी में करेगा ना, जरा सोचो मालिक। बहुत ज्यादा दिमाग है तेरे अंदर मुनीम, जरा सोचो मालिक। अपनी जबान को बंद रखा कर, वरना किसी दिन लेने के देने पर जाएंगे। जरा सोचो, जैसे को तैसा तो मलाल कैसे। और तुझे पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं हुजूर? माय बाप, ना जाने मैंने कितने बेकसूरों की आपके लिए हड्डियां तोड़ी है। अरे अब वो तेरे अंदर पहले वाली बात नहीं रही है अब्दुल्ला। 2 घंटे में कुश्ती जीतना भी कोई जीत रहा है। इसको जल्द से जल्द नामर्द बना दिया जाए, आदेश का तुरंत पालन हो। सरकार, मेरी तो नई नई शादी हुई है सरकार। तो राज साहब ने पहले पुलिस के हाथों मरवा दिया और एक को आज खुद मार दिया। मेरी बहन को तो राजा साहब ने सबके सामने गला घोट कर मार डाला। खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया। 3 बेटे थे, 2 को राजा ने मार दिया, 1 को नामर्द बना। या खुदा, तेरा इंसाफ कहाँ से होगा? लो मैं तुम्हें चाचा, मन चाचा, राजा साहब के जुर्मों ने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, कितने घरों के चिराग बुझा दिए और न जाने कितनी महाजनों का सागर उजाड़ दिया। अब तो पता नहीं जुम्मन चाचा इस गांव का क्या होगा, कुछ पता नहीं जुम्मन चाचा। राजा के कब तक जुल्म सहेंगे, यूं ही धक्का लगा के। तो क्या अब गांव का रखवाला कभी नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, हमारा रहनुमा जरूर आएगा, इस गांव का रखवाला जरूर आएगा। बहुत दिनों से इस साली पर मेरी नजर है, पर हाथ आज लगी है। हाय, देखता क्या है, जो करना कर ले, चला चल, मसल डालते साली को। हाँ क्यों नहीं चल सकते। कहाँ जा रहे चंबक छल्लो, चल हमारे साथ। गुंजन नाम है मेरा, काट के रख दूंगी। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो निकल जा, और तुम सब भी इसके साथ निकल लो, राजा के पालतू पिल्लो, निकलो। चल चल छोड़ कुत्ते।
देखते क्या हो, उठा ले से भी। चल साले, चल 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 छोड़ दे मेरी जान, आज मैं तुझे अपनी प्यास बुझाऊंगा। परदेसी नहीं, हमारा रहनुमा। नहीं नहीं, हमारा भगवान धक्का लगाई के। रहनुमा नहीं, रखवाला, हमारे गांव का रखवाला। तुम मुझ का दो, तुम मुझ का दो, तुम मुझ का दो, तुम मुझ का दो। बाप जी एक रुपया दे दो, भूख लगी है। भूख लगी है? चल आ, साथ खाना खाओ। काकी, चाची, चाचा, देखो देखो, हमारे गांव का रखवाला आ गया, हमारा रहनुमा आ गया। चाची देखो, नहीं जरा देख दो, हमारा मसीहा आ गया, हमारे गांव के लिए भगवान आ गया। धक्का लगाई के बैठी। जा रहे तो आप लोग इस झोपड़ी में? जी, आप यहाँ बैठे, मैं खाने वाने का जुगाड़ ढूंढता हूँ धक्का लगाई के। छोटे जी भैया, आज के बाद
हम भी इसी जगह रहेंगे इन्हीं लोगों के साथ। जी यार धक्कड़, आज तो बड़ा ही मनहूस दिन है। और दिन तो छोटे मोटे कामों के बाद खाना मिल जाया करता था, आज तो ना खाना मिला और ना काम। इसका मतलब आज हमारे गांव का रखवाला भूखा सोएगा क्या? धक्का लगाएगा? नहीं, चला के देखते हैं, किसी से मांगते हैं। क्या बात है भाई, आज तुम लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? क्या बात है थक्कड़ पेटू, अरक्कड़ जी, खाने को नहीं मिला लगता है आज कुछ? हमारी कोई बात नहीं है देवी, जिसने आपकी इज्जत बचाई वही आज भूखा बैठा है। क्या मतलब इज्जत बचाई किसने? क्या बात हुई थी गुंजन? भैया सुबह जब हम खेत पर जा रहे थे तो नहीं, जिस आदमी ने इतना नेक काम किया है वो भूखा नहीं रहेगा, कोई दे या ना दे मैं उसे खाना जरूर पहुंचाऊंगा। सुखिया बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है तुम लोग चलो, हम लोग तब तक घर पे जाकर कपड़े बदल कर खाना लेके आते हैं। ठीक है? अरे अक्कड़, वो रहनुमा नहीं हमारे गांव का रखवाला है, तुम चलो बेटा, हम सब खाना लेके आते हैं। अच्छा हुआ चला गया, उसके हिस्से का खाना भी अब हम ही खाएंगे पेट भर के। मैं तो खाना आते ही ना खाने के साथ खुद मरूंगा। अरे भाई कोई खाना भी लेने गया है? नहीं, अरे खाना आने वाला है, खाने के साथ गुत मरूंगा। मुझे तो लगे तुम्हें ज्यादा भूख लगा है भाई। बहुत भूख लगी है, क्या बताऊं, बहुत भूख लगी है। बेटा तुम रहनुमा हो और हमारे गांव के रखवाले बन के आए हो। तुमने
राजा के गुंडों से हमारी बहन की जब जाकर हम पर बहुत बड़ा संग किया है। मैं सुबह से ही रहनुमा गांव का रखवाला सुन रहा हूँ। जरा मुझे समझाइए, मैं कैसे इस गांव का रखवाला हूँ? बेटा, एक जगत सिंह नाम का एक राजा हमारे गांव पर राज करता है और उसके कहर से ये सारा गांव थर रहता है। बेटा दोस्त, इस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिस पर राजा का कहर न टूटा हो। कहर? कैसा कहर? बेटा, मौत का नंगा नाच नचवाता है राजा साहब, बड़ा बेरहम। इतना बड़ा जुल्म? हिंदुस्तान में कानून भी कोई चीज है, आप उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? थाने में क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराते आप? बेटा, मेरे पति ने रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत की थी मगर उनको जिंदा जलवा दिया था और मेरे दोनों बेटों को कोल्हू में पिलवा दिया था। अब आप ही बताइए, इतना कुछ होने के बाद राजा साहब के खिलाफ कौन कदम उठाने की हिम्मत करेगा? बेटा, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। विजय, राजा के गुंडों की पिटाई करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही इस गांव के रखवाले हो। क्या बनोगे हमारे गांव के रखवाले? उस यमराज के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी ना, तो मैं खुशी से गंवा दूंगा। मैं बनूंगा गांव का रखवाला, मैं बनूंगा गांव का रखवाला, मैं बनूंगा गांव का रखवाला। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांग लेना, शर्म मत करना।
नमस्कार मालिक। क्या खबर लाए हो खबर जी? मालिक आपके खिलाफ गांव में विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है। जो खबर तुम लाए हो खबर जी, वो हमें बहुत पहले से मालूम है, मगर फिर भी तुम हमारे वफादार कुत्ते हो। लो अपना इनाम खाओ और मौत करो। हाँ, ऐसे नहीं, कुत्ते का काम करते हो तो कुत्ते की तरह खाकर दिखाओ। चलो। जैसे को तैसा तुम मलाल कैसा। विजय बेटा मनसुख के घर में राजा के बेटे गुंडों के साथ घुस गए। बचा ले बेटा, इस गांव का क्या होगा, गांव का क्या होगा। मनसुख आज तुझे बताता हूँ कि तू तीन गुना लगान क्यों नहीं भरेगा। छोड़ दो मालिक, हम तुम्हें तीन गुना लगा नहीं दे देंगे। छोड़ दो मालिक, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसान होने के नाते कुछ तो सोचो। चलिए बढ़िया, हम इंसान नहीं जीते हैं, जखून पीकर जीते हैं। सत्ते अखेर दे इनके पत्ते। अगर तुमने बिखेरे इनके पत्ते तो उतार लूंगा तुम्हारे लत्ते। ध्यान रखना, आज के बाद यहाँ एक गांव का रखवाला आ चुका है जिसका नाम है विजय। क्या तुम्हारे गांव का रखवाला? इसे बनाया था रखवाला। Yeah.
माफी। मौसी, जब तक मैं इस गांव में हूँ, राजा के पिल्ले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेटा, तू तो गांव का रखवाला हो गया है, रखवाला ही है। और मेरे बेटा, कोई चोर तो नहीं है तुझे? नहीं मौसी, मुझे तो सिर्फ आप ही का ख्याल है। जीता जी बेटा। सकेंगे मुझे उस कमीने का नाम बताओ जिसने तुम्हारे चेहरे पर ये घाव दिए हैं। उस हरामजादे के खानदान को मिटवा डालूंगा। मालिक, इनकी कोई गलती रही होगी तभी तो ठुक पिट कर आया। जैसे को तैसा तो मलाल जैसा। मारो मारो मारो। मैं मर जावा, क्या लड़की थी यार, दिल को चीर कर चली गई। विजय भैया, क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, ये लड़की तुम्हें देखती है और तुम इसे, आखिर बात क्या है? क्या बात है, ये बात मुझे पता होनी चाहिए तुम्हें? क्या बात है, मुझे पता होना चाहिए या तुम्हें? क्या बात है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी या मुझे? तुम्हें पता लगाना चाहिए। नाटक के सिवा ये लोग कुछ नहीं कर सकते बड़े भैया। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ धक्का लगा के। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
हंसने लगे ना मुझ पे जमाना, किस किस से छिपाऊं मैं अपने दिल की ये उलझन, तेरी पायल बोले छन छन घायल हो जाए मेरा मन। खाने में जोर डाल दिए। हम लोग बातें कर रहे थे इसलिए डल गई। जरा पानी देना। थोड़ा सा और तो ले लो भैया। नहीं नहीं बस थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बस, जिद बहुत करती है। हाथ बुलाना सलोनी। हाथ बुलाना तुम लोग जाओ घर। सांझ को टाइम से आ जाना। चलो देता हूँ। चल मुझे। गुंजन। गुंजन, तूने मेरा सुख चैन नींद भूख प्यास सब कुछ छीन लिया है। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। छोड़ मुझे। जी नहीं सकता तो जाके मर जा। छोड़ मुझे। छोड़। छोड़ मुझे। छोड़।
कैसे छोड़ूं? मंदिर पर जाओ, मंदिर पर जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मंदिर पर जाओ, छोड़ो मुझे, भैया, बचाओ, बचाओ, बचाओ भैया, बचाओ। क्या हुआ? कुंजल कुछ छेड़ रहे हैं। राजा के लड़के कारतूस जंगल में। ये झूठ है, बकवास है, धोखा है। सत्य, तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटे? क्या हुआ है तुझे? देख, उठ, सत्य, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, उठ। देख, तेरा बाप तुझको पुकार रहा है बेटा। नहीं, इस तरह से तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता सत्य, नहीं जा सकता सत्य, 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 कारतूस, इस हरामखोर ने यह करने की जरूरत की है। जाओ पूरे गांव में आग लगा दो, कारतूस, विक्रम, कुंदन, बर्बाद कर दो सबको, तबाह कर दो हरामजादों को। नहीं 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 मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ ऐसा कीजिए हजूर कि एक तीर से दो निशाने हो जाए। पहले उन सब के खेतों का पानी बंद करा दीजिए और उसके बाद सुखिया की बहन गुंजन से अपने बेटे कारतूस की शादी करा दीजिए। फिर देखिए हजूर, जैसे को तैसा तो मलाल कैसा। तुम ठीक कहते हो मुनीम, जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे की हत्या हुई है, उस लड़की को फौरन यहां पर उठा कर ले आओ। जाओ, आदेश का पालन करो। कुंदन, विक्रम, नौलखा, चलो आज साली को उठा कर लाते हैं।
साग, सबके दुखड़ों को जड़ से मिटाने वाला, सबके दुखड़ों को जड़ से मिटाने वाला, बन गया है छोरा सारे गांव का रखवाला, सारे गांव पे इसने देखो अपना रंग डाला। सारे गांव का रखवाला, सारे गांव पे देखो मैंने अपना रंग डाला, बन गया हूँ देखो मैं तो गांव का रखवाला, बन गया हूँ मैं तो सारे गांव का रखवाला, बन गया हूँ मैं तो सारे गांव का रखवाला, बन गया हूँ मैं तो सारे गांव का रखवाला। जानता है ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? राजा अपने बेटे की मौत का बदला लेने तुमसे जरूर आएगा, और तुम खुशियां मना रहे हो? अरे इस दुश्मन से टकराने के लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, जाओ। मुझे आशीर्वाद दो।